वेब सिनेमा हॉल में हैं और वह पिक्चर देख करके निकल रहे हैं। कैसा लगा फिल्म आपको? बहुत बढ़िया। इसमें सबसे अच्छा क्या लगा आपको? हमें सबसे अच्छा इसमें जो अभिनेत्री का दुर्गा का किरदार था वो सबसे अच्छा लगा। कितने दिन बाद आप वो फिल्म देख रहे हैं? लगभग 20 सालों के बाद। सर इतना दिन बाद आप नदिया के पार आखिरी मूवी देखे थे, क्योंकि इतनी नग्नता परोसी जा रही है वो परिवार के साथ देखने लायक नहीं है। नहीं, अभी तो अकेले आया हूँ। मूवी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है और परिवार को साथ लेकर के देखेंगे। पहले आप देखने जी 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 तो क्या कहना चाहते हैं? कलाकारों का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये फिल्म परिवार के साथ देखने लायक है। भोजपुरी सिनेमा से जुड़े भोजपुरी जो लोग देखते हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कहना तो यही चाहेंगे कि इसको, इस फिल्म को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के देखा जाए। जी नहीं, ट्रेलर देखा यूट्यूब पर तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद ट्रेलर देख करके ये मन हुआ कि चल करके देखा जाए। तो पहले तो अकेले ही देखने आया हूँ, अब परिवार को लेकर के आऊँगा। तो आपने जो सोचा था भोजपुरी सिनेमा जो फिल्मों का आपके दिमाग में था ऐसी बनती है, ये आपने बाद फिल्म देखा तो कितना आपने फर्क पाया होगा? तो बहुत बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमारा नाम विनय दुबे है और सर हमने मूवी देखा, हमको बहुत अच्छा लगा सर। और इसमें जो रक्षा गुप्ता जी हैं, विराज भट्ट सर हैं और हमारे जो विलन हैं सब बड़े अच्छे रोल किए हैं इसमें। और सर पारिवारिक मूवी है और हम तो यही कहना चाहते हैं लोगों से कि अपना देखें और फैमिली के साथ आके फिर सब लोग देख सकते हैं। कोई सर इसमें गंदगी नहीं है, कोई घंघरा चोली वाला ऐसा कुछ नहीं है सर। गाने इसमें जो भी हैं सब बढ़िया हैं एकदम। हम तो देखें, हमको अच्छा लगा सर। हम सर परिवार के साथ आए या अकेले आए? नहीं सर, हम तो अभी अकेले ही आए हैं सर। तो परिवार के साथ आए? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे सर। तो सबसे अच्छा क्या लगा इसमें, जो है क्या संदेश जाएगा और इससे क्या कहना चाहेंगे लोग? सर इसमें क्या था कि जो भोजपुरी में सर जो गंदगियां जो भगदगियां रहती थी सर, पूरा कपड़े उपड़े वाला वो सब सर इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप इसको फैमिली के साथ या बहन बेटी के साथ सब लोग बैठ के मूवी देख सकते हैं। इसमें सर कोई रुकावट कोई टोक टाक नहीं है, बहुत बढ़िया मूवी है सर। आप देख सकते हैं फैमिली के साथ भी घर में बैठ के, बगल में चाहे थिएटर में हो चाहे मूवी में चाहे यूट्यूब पे हो, बहुत बढ़िया मूवी है सर। जैसे फिल्म के प्रोड्यूसर की एक सोच होती है फिल्म ऐसा बने पब्लिक आए, तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाते हैं जिनका पैसा लगता है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर भाई जो पैसा वो लगाए हैं तो भाई बढ़िया है मूवी बना, इसलिए तो सर हम लोग जो है कि चल के आए हैं देखने के लिए। और हम सर से यही उम्मीद करेंगे सर इसी प्रकार से इससे अच्छी भी मूवी बनाएं। भाई मूवी तो बहुत अच्छी बनी है, इसमें महिला प्रधान रक्षा गुप्ता जी हैं जो कि माँ दुर्गा के रूप में जो है दिखाई गई हैं उसमें। जी सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मैं यही कहूँगा कि मतलब मूवी ओवरऑल काफ़ी मतलब अच्छी है। एक तो सोसाइटी को थोड़ा मैसेज देती है, जैसे भोजपुरी मूवी जनरली मैसेज नहीं देती है, थोड़ा सोसाइटी को मैसेज देती है। इसके अलावा थोड़ा वही जैसा कि इन्होंने बोला कि दुर्गा माता के बारे में भी उनका रूप दिखाया है, तो उस तरीके से है तो काफ़ी लोगों को ये अट्रैक्ट करेगी देखने के लिए मूवी। तो ओवरऑल रिव्यू तो काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है सबको एक एक बार तो एक बार देखना चाहिए जस्ट फॉर चेंज कि भोजपुरी सिनेमा बदल रहा है, थोड़ा उसके लिए देखना चाहिए मूवी की क्या हो रहा है। आपने कितने दिन बाद भोजपुरी सिनेमा देखा? जी मैंने थिएटर में आज तक कोई भोजपुरी मूवी नहीं देखी, टीवी वगैरह पर ही देखी है। और वो सिनेमा मतलब हॉल में तो नहीं, और वो भी पहली बार मुझे लगता है कि ये इतने ऐसे मल्टीप्लेक्स में लगी भी होगी, वरना भोजपुरी मूवी जनरली मल्टीप्लेक्स में लगती भी नहीं, वो तो सिंगल स्क्रीन में जनरली लगती हैं। तो जो भोजपुरी सिनेमा को लेकर आपकी सोच थी कि फिल्म बजे इस पर थी और अब आपने बदल देखा, तो आपने कितना अंतर पाया? ये काफ़ी अंतर है भाई, क्योंकि जनरली जो इमेज एक रहती है वो यही है कि उसमें अश्लीलता होगी या कुछ होगा और वैसे भद्दे से गाने होंगे। उस हिसाब से इसमें मतलब उस तरीके से नहीं, थोड़ा एक्शन मूवी है
थोड़ा मतलब अश्लीलता नहीं है वैसी, उस टाइप से पारिवारिक है देख सकते हैं वैसे। इसमें सर जो डायलॉग हैं सब एक से बढ़कर एक हैं, इसमें अगला जो आने वाला है पूछता नहीं है, सीधा ठासता है जी, और बहुत ही अच्छा है सर, मूवी बहुत बढ़िया है। महिलाओं को कितना ध्यान में रखा गया इस फिल्म में, महिला सशक्तिकरण का कितना इसमें रखा गया है? महिला का काफ़ी मतलब दिखाया, क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर है महिला प्रधान, वो महिला ही है, इसमें जो उनका रोल है जो रक्षा गुप्ता जी का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा, उनको काफ़ी एक्शन में दिखाया। पहली बात भोजपुरी में आपका इन जनरल जो है वो महिलाओं को इतना नहीं दिखाता, इसमें दिखाया प्लस में मेन रूप में और एक्शन करते हुए दिखाया, ये किसी भी भोजपुरी मूवी में एक्शन करते हुए नहीं दिखाते हैं औरतों को, तो उस हिसाब से मतलब ये थोड़ी अलग टाइप में है, किसी और औरतों को भी प्रेरणा मिलेगी। आपका नाम सर? हर्षित जैन जी। सर आपका नाम? विनय पांडे। अब आपकी ओपिनियन क्या है, आप सोच क्या है भोजपुरी सिनेमा में? नहीं, अब सोच तो बहुत हद तक बदल गई है देखने के बाद, और इसी ढंग से और भी मूवी बनती रहेगी तो और ही थोड़ा अच्छे विचार आएंगे लोगों के मन में। सर आपका नाम और आपने कौन सी फिल्म अभी देखा है? सर यही मूवी देखी है भोजपुरी के लिए, बहुत अच्छी मूवी थी, मैंने कभी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, पहली बार देखी सर, लेकिन देखते ही सर बहुत अच्छी लगी मुझे ये, इसकी जिसमें जो सोच रखी गई है वो काफ़ी अच्छी है जी सर। जी मुझे लगता है कि ये सब देखे, सबको मानकर ये अच्छी बहुत मूवी, पहली बार देखी मैं कंफ्यूज था कि मैं कैसे देखूं, लेकिन जब देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी सर। हाँ अब मैं सर को बोल सबको बोल रहा हूँ कि आप ये मूवी देख लीजिए जी सर। जब ये देखेंगे लोग उनको खुद समझ आएगा कि सर मूवी क्या है, जब मैंने देखी तो मेरी सोच काफ़ी बदल गई इससे जी सर। जी सबको देखना चाहिए एक बार, एक्शन से भरपूर मूवी है, पारिवारिक है, सबको देखना चाहिए। हमने आज तक नहीं देखा है सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में नहीं देखा है, पहली बार भोजपुरी मूवी देख रहे हैं। इसका मॉरिशस में इसका रिव्यू हुआ था ठीक है, और बाकी जो है लोगों का देख के तो यही देख के आए हैं कि जो है इसमें देखना चाहिए एक बार जी। बाकी इसके रिलेटेड बहुत देखा, ये सब काफ़ी अच्छा है जी जी बिल्कुल। हाँ इसको देखना चाहिए ये परिवार जी जी, एकदम पारिवारिक फिल्म है ये, बहुत अच्छे लगे, जिसमें विलन का रोल रक्षा गुप्ता का रोल काफ़ी अच्छा रहा, हीरो का भी बहुत अच्छा रहा जी जी। हमको विलन बहुत अच्छा लगा इसमें, उसका जो एक्शन जो है उसका बहुत अच्छा है, हीरो का भी और विलन का भी। जी बहुत अच्छी मूवी बनाई है जी जी, ऐसे ऐसे ही बनाना चाहिए, बाकी तो लोग एकदम सब अश्लीलता दिखाते हैं, बाकी ये मूवी बहुत अच्छी लगी।